आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर लिंक के बारे में। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा है पिक्चर लिंक, कैसे हम करेंगे पिक्चर लिंक इसके बारे में। तो सबसे पहले पिक्चर लिंक के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बारे में आगे बताऊ। जैसे कि आपके सामने डेटा है, अब इस डेटा को मुझे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, मुझे कहीं पे चाहिए, लेकिन क्या है कि हम इसको नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये सेम साइज में आता है, लेकिन इस एरिया को थोड़ा छोटे जगह में या बहुत बड़े जगह में शो करना है, थोड़ा सा रोटेट वोटेट करना है, तो कॉपी पेस्ट पॉसिबल नहीं होता उससे। तो हम क्या करते हैं कि उसको हम लोग पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर पिक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, पिक्चर्स लिंक नहीं होता है, बार बार मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज होगा तो ये अपडेट नहीं होगा। इसलिए हम लोग पिक्चर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। पिक्चर लिंक, जब पिक्चर लिंक लगता है तो एक फॉर्मूले के साथ आता है, जो कि फॉर्मूला आप यहाँ देख रहे हैं A1 से A10, ये फॉर्मूले के साथ आता है। जैसे कल के डेट में मान लीजिए कि हमने कुछ बढ़ा दिया रेफरेंस, तो आपको यहाँ से फॉर्मूले को चेंज करना होता है। जैसे कि हमने 10 को 12 कर दिया, तो एंटर मारते ही यहाँ पे नीचे मेरा डेटा आ जाता है। और जब भी कुछ चेंज होता है, एंटर प्रेस करते ही देखिए यहाँ चेंज हो गया। अगर फॉर्मेटिंग भी चेंज करते हैं, कोई कलर वलर चेंज करते हैं, तो वो भी हमारा लिंक हो जाता है। और सेम सीट अनुदर सीट अनुदर फाइल वर्ड पावर पॉइंट आउटलुक सब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट सर? राइट। लेकिन इसको डायनेमिक कैसे किया जाए, तो डायनेमिक का मतलब जैसे कि मेरे पास दो रिपोर्ट है, ठीक है, हमने उसको और तरीके से बनाया है, चलिए हम थोड़ा सा बना लेते हैं। एक रिपोर्ट हमारे पास मंथ वाइज हमारा सेल्स का समरी है, मान लीजिए, और ये फॉर्मेटेड है, फॉर्मेटिंग विथ एंड बॉर्डर, और साथ में हमने इस पे एक अपना चार्ट भी इंसर्ट कर रखा है। ये चार्ट भी हमने यहां पे इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, आपको सिलेक्ट करके हमने चार्ट की अपनी फॉर्मेटिंग भी चूज कर ली है। क्लियर है? Yes. और मान लीजिए कि सेम रिपोर्ट हमारे पास एक भी और भी है, लेकिन वो हमारे नेम के अकॉर्डिंग है, सिटी मान लीजिए, सर सिटी कर देता हूँ, सिटी के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट हमारे पास बने हुए हैं। एक रिपोर्ट हमारा सेल्स ए है और दूसरा हमारा सिटी वाइज सेल्स है, और इसको भी फॉर्मेट कर देता हूं किसी, लेकिन इसको फॉर्मेट हम किसी और कलर से करते हैं ताकि हम देख सके कि हाँ हाँ के। और हमने इस पे भी चार्ट बनाया हुआ है, हम इसी चार्ट को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेटिंग हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं चार्ट डिजाइन में जाके, राइट। मुझे मान लीजिए कि अब मुझे कहीं पे जैसे कि इसी सीट पे मुझे यहाँ पे रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं इन दोनों रिपोर्ट को नहीं दिखाना चाहता हूँ सेम टाइम, हम चाहते हैं कि हर बार एक अलग, सॉरी, हर बार जो है जो रिपोर्ट जो यहां हम सिलेक्ट करें, मतलब एक बार में एक ही को शो करना चाहते हैं, क्योंकि यही तो फिलहाल दो है, लेकिन आगे जाके हो सकते हैं कि 10 या 12 हो, तो हम वन बाय वन शो करना चाहते हैं समरी में।
तो हमने डेटा वैलिडेशन यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया और हमने यहाँ पे लिस्ट में हमने यहाँ पे दे दिया मंथ कॉमा। तो इस तरह से देने से क्या होता है कि फिर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आ जाए, राइट सर? तो मैं मंथ सेलेक्ट करूं तो मेरा यहाँ से मंथली जो इस रिपोर्ट है वो आ जाए, सेल्स सेलेक्ट करूं तो जो सेल्स वाला रिपोर्ट है वो आ जाए जी, राइट। क्या करें इसके लिए? हमने सबसे पहले तो जो दोनों एरिया है ना, पहले तो इसके बैकग्राउंड में जाइए और यहां से गियर लाइन को रिमूव कर दीजिए, ठीक है? फिर ये दोनों एरिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और नीचे था नीचे तक देता हूं। इसको इसका नाम जो है यहाँ होम में जाके मैंने इसका नाम दे दिया, देखो इस होम में नहीं, इसमें होता है फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम। अब डिफाइन नेम क्यों किया? क्योंकि इसको कंप्यूटर क्या जानता है, सीट 5A4 से लेके I17 ऐसा लंबा है ना, क्या ये एड्रेस है। तो इसका नाम हमने मंथ दे दिया, मंथ क्यों दिया, हमने डेटा वैलिडेशन में मंथ दिया हुआ ना, इसलिए यहाँ पे भी हमने मंथ कर दिया। तब इसको कंप्यूटर मंथ के नेम से जाने, और सेम चीज हम यहां भी इसको भी कर देते हैं, इसको भी हम डिफाइन नेम और इसका नाम हम सिटी के नाम से बाय डिफॉल्ट ले लेता है, तो आप डाल दीजिएगा सिटी के नाम से। मतलब कि अब यहां जैसे मैं अब क्या करेंगे कि किसी एक को कॉपी करें, कॉपी किया और अपने उस सीट पे आएंगे और यहां हम पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक दिख रहा है आपको सर जी, लिंक कर दिया तो यहाँ पे आपका पूरा रेफरेंस आ गया। बट यहाँ पे मैं मैनुअली मंथ लिख दूं फिर भी हमारा डेटा दिख जाता है जी। मुझे सिटी के अकॉर्डिंग चाहिए तो मैं चार्ट पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ सिटी सिलेक्ट करके एंटर मारूंगा, सिटी वाइज रिपोर्ट आ गया जी। मतलब कि पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए और इसके इसमें एड्रेस बार में जाके अगर मैंने नेम जो कस्टम नेम डिफाइन किया है उसमें मंथ कर दिया तो मंथ वाइज आ जाएगा, अगर सिटी किया तो सिटी वाइज आ जाएगा। अगर हम बाहर से चूज करें सिलेक्ट से तब भी आ जाएगा? नहीं अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी हम मैंने इसमें और इसकी लिंकिंग नहीं की। अच्छा ओके, यही पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। अगर एक्सेल में हमने नाम को डिफाइन कर दिया तो बाहर जाके हम चेंज करने से हो जाएगा? हाँ, अभी अभी हमने क्या किया हुआ है कि जितने भी हम एरिया था उसको एक नाम दे दिया, वो नाम वो दिया जो यहाँ कॉमोवर्स के लिस्ट में था, ठीक है? तो अभी इसके बाद हमने किसी एक पिक्चर को कॉपी किया, एक एरिया को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट ऐसे पिक्चर कर दिया, पेस्ट से पिक्चर लिंक कर दिया जी। तो क्या हुआ कि अब दूसरी चार्ट को देखने के लिए हमें यहाँ पे इसमें इसके चार्ट पे क्लिक करके इसका जो एड्रेस बार है उस एड्रेस बार में जाके मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा तो डेटा आ जाएगा। आ गया, बट प्रॉब्लम है कि मैं इसके साथ करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है सर कि इसको जो हमने मंथ जो लिख रखा है सर, अब इस मंथ को एक्सेल जो है क्या समझता है, टैक्स समझता है। इसे हमने सम का फॉर्मा लगाया और सम में मैंने मंथ लिखा और इसको चूज कर लिया, एंटर मारा तो यहाँ पे आपके पास 701 इसका सम आ गया। लेकिन अगर मैं सम में इस मंथ को चूज करूं तो यहाँ पे 0 आएगा, क्यों? क्योंकि इसने इस मंथ को रेफरेंस समझ के यहाँ से उठा लिया हुआ है, ठीक है? बट इसने इसने क्या किया कि इसने इसी मंथ को टैक्स ले लिया हुआ है और टैक्स को सम नहीं करता, इसलिए इसने यहाँ पे 0 कर दिया। मुझे सम फॉर्मूले को समझाना होगा कि जो मंथ है ये मंथ कोई एबीसीडी या नाम नहीं है, ये एक एरिया है, एक रेफरेंस है, इसका हमने शॉर्टकट नाम दिया हुआ है। अब इस चीज को समझाने के लिए इनडायरेक्ट का फॉर्मूला है। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है कि अपने अंदर दिए गए टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करके फॉर्मूले को देता है। अगर आप फॉर्मूला एवलेट पे जाएंगे
यहाँ एवलेट लेकर देखेंगे कि इनडायरेक्ट को क्या मिला, इनवर्टेड कॉमा के अंदर मंथ मिला, इनवर्टेड कॉमा है इसका मतलब कि टेक्स्ट है, इनडायरेक्ट ने क्या किया इसको कन्वर्ट कर दिया इसके रेफरेंस में, समझे? मतलब ये हुआ कि हम यहां मंथ के जगह पे डायरेक्ट बी वन नहीं दे सकते, बी वन देंगे तो बी वन का पिक्चर आएगा, समझे? क्या हम इसमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला के जरिए बी वन दें? लेकिन ए भी आपका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रेफरेंस कहता है कि किसी भी फॉर्म डिफाइन मत इसमें चार्ट के अंदर में सिर्फ डिफाइन नेम और डायरेक्ट रेफरेंस ले सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं ले सकते, समझे? इसमें सिर्फ डिफाइन नेम मतलब किसी भी पिक्चर्स के एड्रेस में आप सिर्फ डिफाइन नेम को दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट रेफरेंस को दे सकते हैं, कोई फॉर्मूला आप इसमें अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है जी? तो कैसे होगा? लेकिन जब कोई फॉर्मूला है कि जब डिफाइन नेम में आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्यों ना एक नया सॉरी सर, तो हमने यहाँ मैसेज दिया और यहाँ पे हमने दे दिया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हमने अपने मंथ को सेलेक्ट कर लिया, राइट जी? और फिर हम यहाँ इस एसेस को कर देते हैं मंथ के जगह, मैं यहाँ क्या एसएस क्यों सर? एसएस इसलिए किया क्योंकि जो इनडायरेक्ट वाला फीचर है एसएस में डाला है ना। अच्छा ओके। देखिए ये बोल रहा है, बात समझिए, मंथ जो है इन टेक्स्ट है, इसमें रेफरेंस में करने के लिए हमें इनडायरेक्ट की फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। फीचर लिंक आता है कि हम खाए तो ए लेंगे, सिर्फ लेंगे तो लेंगे अपना रेफरेंस नेम लेंगे, डिफाइन नेम लेंगे या फिर अपना डायरेक्ट रेफरेंस दो, डायरेक्ट फॉर्मूला एड्रेस दो, चलो हम नेम डिफाइन नेम ले लेंगे, ये आपका पिक्चर पिक्चर कहता है, पिक्चर लिंक कहता है, हम डिफाइन नेम ले लेंगे, और डिफाइन नेम कहता है कि हम फॉर्मूला ले लेंगे, करेक्ट? तो पिक्चर आपका पिक्चर लिंक आता है कि हम सिर्फ डिफाइन नेम लेंगे और रेफरेंस लेंगे, हम फॉर्मूला नहीं लेंगे, बट डिफाइन नेम कहता है चलो मैं फॉर्मूला ले लूंगा, तो ये हुआ ना कि इसको मैं फॉर्मूला दूंगा और ये पिक्चर लिंक को देगा जी, yeah? जी। तो क्या होगा एसएस करेंगे तो क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे सिटी सेलेक्ट किया, एसएस के अंदर में इनडायरेक्ट सिटी आ गया और सिटी ने सिटी वाले एरिए को किसको पिक्चर को, समझे जी? समझ गया। थोड़ा सा ये जो लास्ट आपने किया है बहुत थोड़ा बताइए, सिंपल सी बात समझ जाइए ना कि हम जो है हमारा जो यहाँ पे जो लिस्ट है ना सर, ये लिस्ट टेक्स्ट का लिस्ट है, समझिए, लिस्ट में और डिफाइन नेम में किए गए लिस्ट में कोई ये नहीं है, मतलब कि लिंक नहीं, ठीक है? कोई भी फॉर्मूला को, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लगेगा तो उसको रेफरेंस डायरेक्ट फॉर्म में चाहिए जी। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहीं पे आप A1 कर दिया तो A1 को रिकॉग्नाइज कर रहा है ना सर जी, लेकिन इसी को इनवर्टेड कॉमा में A1 कर देंगे तो A1 को रिकॉग्नाइज करेगा नहीं, तो यही जो मंथ है वो इनवर्टेड कॉमा की तरह है, तो हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला देना होता है,
ताकि वो रेफरेंस को डायरेक्ट में कन्वर्ट करे, मतलब कि इन्वर्टर कॉमा को हटा दे और रेफरेंस में कन्वर्ट कर दे, A1, B1, C1 जो रेफरेंस होता है उसमें कन्वर्ट कर दे। इनडायरेक्ट तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। दूसरा चीज ये है कि अब इनडायरेक्ट एक फॉर्मूला है, आपका पिक्चर लिंक बोलता है मैं फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं डिफाइंड नेम एक्सेप्ट करूंगा, और डिफाइंड नेम कहता है कि मैं फॉर्मूला एक्सेप्ट करूंगा। तो हमने फॉर्मूला, इनडायरेक्ट फॉर्मूला को यहां इसके अंदर ना देके हमने एक डिफाइंड नेम के अंदर डिफाइंड नेम क्या कर रहा है कि वो डेटा रिलेशन के लिस्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी एक को रेफर कर रहा है, किसको, पिक्चर लिंक। इससे क्या हो रहा है कि यहां पे जैसे हम चेंज करते हैं, हमारा इनडायरेक्ट अपना रिजल्ट चेंज करता है और फिर उस पर्टिकुलर डिफरेंस नेम पे चला जाता है, डिफाइन नेम पे। समझ गए जी सर? लेकिन जब तक इसकी प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक समझ में आ नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि आपको जो है ये फाइल मेल कर रहा हूं जी, आप क्या करें इस फाइल को रेफरेंस में लें, अभी पहले तो दो के साथ करें जैसे मैंने किया है, फिर तीन चार पांच के साथ करें जी, ठीक है जी सर। यहाँ पे आपका नाम क्या हो गया? स्मित रंजन नायक, SMITA ये करिए, ITA RANJA, स्मित रंजन नायक, रंजन नायक। जी 89@gmail। अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, फिर भी कोई डाउट होता है तो हम यहाँ पर सर एक गलत है यहाँ पर थोड़ा सा। क्या गलत है? मेरे स्पेलिंग गलत है। हाँ हाँ, SMITA ये है ना जी, ये है ना, सही ना जी? जी जी, मैं आपको भेज दिया। ओके सर, तो मिलते हैं कल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।